नमस्कार, प्रणाम, सलाम। हम आप सबके आपन प्रदीप पांडे चिंटू और सबके भाई लोग के बहुत सारा प्यार बा। बहुत 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 दिल से धन्यवाद बा बहुत सारा बात खातिर। और आज एक अलग ही खुशी है लाइव आने का। एक बहुत उत्साहित भी हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ। आज बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, बातें करने के लिए आप सभी के साथ, मेरे पूरे भोजपुरिया जहान के साथ, मेरे जितने भी लोग मेरे भोजपुरिया परिवार के साथ, मेरे सभी दोस्तों के साथ, जितने भी बड़े हैं उन सबको प्रणाम। उन सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। और जितने भी मेरे बराबर हैं उन सभी को खूब सारा प्यार, और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार, खूब सारा दुलार। और हम चाहें कि हमार जितना भी भोजपुरिया परिवार के जितना भी हमार बड़े लोग हैं, चाहे वो हमारे दर्शक हो, चाहे वो मेरे सिनेमा परिवार से हो, सभी को बहुत बहुत सर झुका कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा बना रहे अपने चिंटू पर, अपने इस भाई पर, अपने बेटे पर। हेलो 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 पूनम जी, हेलो गुड्डू कुमार जी, हेलो प्रियंका विश्वकर्मा, सत्य प्रकाश सिंह भाई, दर्शन यादव जी, आशु कुमार जी, मुकेश राज जी, प्रियंका विश्वकर्मा, हाय हाय, विपुल पटेल जी, मदन जाधव जी, नागेश राज जी, राधेश्याम जी, नितीश कुमार पाठक भाई, मदन यादव भाई, मदन जाधव भाई, अरुण कुमार, अरुण निगम, हेलो हेलो अंजनी पांडे, हेलो हेलो अंजनी भाई, नमस्ते। भाई सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारा दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल की फिल्म विवाह के ट्रेलर के आप सब लोग इतना पसंद कही नहीं, ट्रेलर को इतना सारा प्यार दिया आप सब ने विवाह के। एक बेहद खूबसूरत और भोजपुरी में काफ़ी सालों बाद एक ऐसी पारिवारिक फिल्म और ऐसी अद्भुत फिल्म आ रही है, जो मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए। मैं खुद बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हूँ, क्योंकि उसमें एक अलग तरह का अभिनय हुआ है, एक अलग तरह की फिल्म बनी है, जो उसके जो हमारे प्रोड्यूसर हैं श्री प्रदीप सिंह जी, निशांत उज्ज्वल जी और प्रतीक भाई, और साथ में जो उसके फाइनेंसर है हमारे भोजपुरी के बहुत ही अहम और बहुत ही मजबूत पिलर हमारे श्री अभय सिन्हा जी, और साथ साथ जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं श्री मंजुल ठाकुर जी, इन लोगों ने बहुत कमाल का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है। और पूरी टीम ने, जितने भी टीम के लोग हैं विवाह के, सभी लोगों ने बहुत मेहनत से एक कमाल की, एक उम्दा, एक बहुत ही खूबसूरत, देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ तो मेरे फेस पर हंसी आ जा रही है, मैं ऑटोमेटिकली मैं खुश हो जा रहा हूँ, क्योंकि वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत है, वो फिल्म इतनी पारिवारिक है, वो फिल्म इतनी कमाल है कि आप लोग जब अपने परिवार के साथ जाकर देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी फिल्म, क्योंकि पूरी तरह पारिवारिक फिल्म है, जैसा कि नाम से आप सबके पता चल रहा है विवाह। और बहुत खुशी की बात है कि अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं विवाह रिलीज़ होने के लिए। 25 तारीख को, यानी कि इसी 25 को धनतेरस के शुभ अवसर पर ये फिल्म आप सबके नज़दीकी सिनेमाघरों में लग रही है। पूरे 25 तारीख को, यानी कि धनतेरस के दिन, पूरे यूपी, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात, पंजाब, बंगाल में लग रही है फिल्म 25 तारीख को। तो जितने भी मेरे अरे आशीष कैसे हो, वृषभ पंडित हमारे आशीष, मेरा भाई, हमारे प्रोडक्शन कंट्रोलर, तो जितने भी लोग हैं वो लोग 25 तारीख को अपने पूरे परिवार के साथ, स्पेशली मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपनी माताएं, अपनी माताओं, अपनी माँ के साथ, अपनी दादी के साथ, अपने परिवार के चाचा, चाची, मौसी, नानी, दादी, और जिनकी शादी हो चुकी है, अपनी मेहरारू के साथ, अपना लयका बच्चन के साथ जाकर ज़रूर देखी फिल्म, क्योंकि फिल्म हर किसी के जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत एहसास दिलाएगा। और साथ साथ जो मैं बात बोल रहा था कि 25 तारीख को धनतेरस के दिन ये फिल्म रिलीज़ हो रही है,
और जितने मेरे मुंबई, गुजरात, यूपी, दिल्ली, पंजाब, बंगाल के जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे भोजपुरिया परिवार के लोग हैं, वो लोग जाकर ज़रूर देखें अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। और साथ साथ छठ पूजा यानी कि 1 तारीख को, 1 नवंबर को ये फिल्म पूरे बिहार और झारखंड में छठ पूजा के महापर्व पर, महान त्यौहार पर, जो हमारे बिहार का, जो हमारे भोजपुर का जो सबसे बड़ा पर्व है, जो सबसे महापर्व है, यानी कि हमारी, हमारा छठ महापर्व के दिन वो फिल्म रिलीज़ हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये फिल्म तो अभी है, अभी बाद में जाके देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। जाकर ज़रूर देखिएगा अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में और सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल की फिल्म बनी है और पूरी तरह पारिवारिक। आप अपने पूरे परिवार के साथ आप बहुत ही अच्छे से फिल्म को बैठकर देख सकते हैं। साजन कुमार भाई, आप कब कर रहे हो शादी? हाँ, अभी देखिए 25 तारीख को विवाह कर रहा हूँ मैं 25 तारीख को, और ये जो मेरी शादी हुई है, जितेंद्र शुक्ला भाई, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो बिल्कुल जाए, क्योंकि देखिए मेरी भी शादी नहीं हुई है। तो मैंने जब ये फिल्म की विवाह, और जब मैंने वो जो एक्सपीरियंस लिया विवाह का, वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही अद्भुत था। तो आप सबको भी, जितने भी लोगों की शादी नहीं हुई है, जितने भी कुंवारे हैं मेरी तरह, जितने भी बैचलर्स हैं, वो जो मेरी तरह बैचलर्स हैं, जो मेरी तरह कुंवारे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत स्पेशली वो लोग जाकर देखें, ज़रूर जाकर देखें, उनके लिए तो कंपलसरी है देखना क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है विवाह वाला, वो देखने में एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही मसाला है, एक अलग ही आनंद है। भरत शाह की इच्छा हाल खबर, भरत भाई नेपाल कब आना है? बिल्कुल जल्दी आएंगे। अंजनी पांडे, फर्स्ट शो देखूंगा भैया। थैंक यू अंजनी भाई। जो फर्स्ट शो जाकर देखते हैं वो मेरे सबसे फेवरेट होते हैं, उनको मैं दिल से प्यार करता हूँ, उनको मैं दिल से मानता हूँ। और जितने भी भाई मेरे फर्स्ट शो जाकर देखेंगे, उन सबको सच में दिल से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दिल से लगाव है उन लोगों के लिए, क्योंकि वही लोग बताते हैं कि वो सच्चा प्यार करते हैं मुझसे। क्योंकि प्यार उसी को कहा जाता है जो फर्स्ट शो में जाकर सिनेमा को देखे, पहले ही जो सबसे पहला जो आपका झलक है, आपका जो लुक है, जो आपका सिनेमा है, अगर वो पहले ही सबसे पहले जो जाकर देखता है, उसी को इसीलिए अव्वल दर्जा दिया जाता है। श्याम जी, कहाँ कहाँ लग रही है ये फिल्म? अभी मैंने बताया, जैसे कि श्याम जी की, पूरे भारत में रिलीज़ हो रही है फिल्म दिवाली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर। 25 तारीख को धनतेरस के दिन ये पूरे मुंबई, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बंगाल में लग रही है, और छठ पूजा के दिन 1 नवंबर से पूरे बिहार और झारखंड में फिल्म लग रही है। और साथ साथ मैं बता दूं कि मेरे अलावा इस फिल्म में जो मेरी जो खूबसूरत अदाकाराएं हैं, जो बहुत ही हसीन तो है ही हैं, हसीन के साथ साथ एक बेहद कमाल की परफॉर्मर्स हैं, बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं, और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत ही उम्दा अदाकारा हैं, जो कि संचिता बैनर्जी जी हैं, आकांक्षा अवस्थी जी हैं, काजल राघवानी जी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तड़कता फड़कता धमाकेदार गाना है, और साथ ही पाकी हेगड़े जी, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की लेजेंडरी पाकी हेगड़े जी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा कमाल का गाना है, जो कि ट्रेलर में भी आप सबको देखने को मिला ही होगा। हम सब के अलावा जो बहुत ही अहम भूमिकाओं में है, वो हमारे अवधेश मिश्रा जी, किरण यादव जी, ऋतु पांडे जी, श्वेता वर्मा जी, संजय महानंद जी, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, बहुत ही खूब, बहुत ही कमाल की चुलबुली नटखट सी बेबो राजवानी, जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर की रहने वाली है, जो बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग किया है उन्होंने, और भी कई सारे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी भूमिका से, जिन्होंने अपनी अभिनय से इस फिल्म को बहुत खूबसूरत बनाया है। तो जितने भी कलाकार इस फिल्म में हैं, सबको दिल से धन्यवाद, और जितने भी टीम मेंबर, जितने भी टेक्नीशियंस, जितने भी लोगों ने, चाहे वो डायरेक्टर हो हमारे मंजू ठाकुर जी, चाहे वो सिनेमाटोग्राफ़र हो हमारा सिद्धार्थ भाई, चाहे वो कोरियोग्राफर्स हों कानू जी हों,
और हमारे डांस डायरेक्टर्स, हमारे एक्शन मास्टर श्री श्रेष्ठा जो कि नेपाल के बहुत बड़े और नंबर वन फाइट मास्टर हैं, श्री श्रेष्ठा जिन्होंने मेरे अभी लैला मजनू में भी जिन्होंने एक्शन किया है, जिसका ट्रेलर बहुत जल्द आने वाला है। हाय बेबो राजवानी, मैंने अभी आपका नाम लिया और देखो अभी आपका मैसेज आ गया। मैंने अभी बताया कि हमारी बेबो, हमारी प्यारी सी गुड़िया बेबो ने बहुत ही खूबसूरत सा काम किया है इस फिल्म में। और जो कि मैं बात कर रहा था टेक्नीशियंस की, तो जितने भी हमारे कैमरामैन के बारे में बताया, एक्शन मास्टर श्री श्रेष्ठा, इसके अलावा एडिटर, जितने भी लोग, जितने भी टीम टेक्नीशियन, जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों ने, हमारी एक कलाकार हैं फिल्म में अनीता रावत जी जिन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया, तो जितने भी लोग हैं सबने बहुत कमाल का काम किया है, बहुत ही धमाकेदार अभिनय किया है सब ने, बल्कि सभी ने, मैं तो कहूँगा कि सब ने एक ही लेवल का परफॉर्मेंस दिया है, किसी को भी कम किसी को भी ज़्यादा नहीं, चाहे वो छोटा किरदार जिसने भी निभाया हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे कोई भी हो, और सब ने बराबर का परफॉर्मेंस दिया है, सब ने बराबर का अपना पूरा 100% दिया है सभी ने, और यही बहुत विशेषता, विशेष और बहुत ही खास बात है इस फिल्म की कि सभी ने पूरी तरह अपनी मेहनत की है और पूरी तरह अपना 100% दिया है इस फिल्म में, इसीलिए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की फिल्म बनकर ये आई है। पिंटू कुमार हाय, हाय पिंटू कुमार जी, राजीव तिवारी हाय राजीव तिवारी जी, अंजनी पांडे भैया लैला मजनू का ट्रेलर नहीं आया, हाँ। और एक बहुत ही खास बात जो मैं खास तौर पर जो मैं लाइव आया हूँ वो इस बारे में लाया हूँ कि बहुत लोग, मेरे बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारे दर्शक जो इस बात से नाराज़ थे कि हमने पहले पोस्टर में 18 तारीख का जो डेट डाला था तो उस तारीख में ट्रेलर क्यों नहीं आया, उसका कारण टेक्निकली ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मात्र यही कारण है कि 25 तारीख को हमने फिर सोचा कि हम इसको 25 तारीख को लॉन्च करें ट्रेलर को, क्योंकि 25 तारीख को चूँकि धनतेरस का एक बहुत ही पावन और बहुत ही शुभ त्यौहार है जो कि हमारा दीपावली का जो त्यौहार है, इस खुशियों के दीप के साथ हम अपनी फिल्म लैला मजनू जो पूरी तरह रोमांटिक, पूरी तरह प्रेम, गाढ़े प्रेम की चाशनी में डुबो कर जो फिल्म निकली हुई है, जो रोमांस निकला हुआ है इस फिल्म में, उसके अलावा जो लैला मजनू एक ऐसी ऐतिहासिक प्रेम कहानी है आज की अंदाज में, आज के जो हमारे 2019 के जो लैला मजनू, जो 2019 के जो कपल्स हैं, जो जोड़े हैं, जो प्रेमी हैं, उनकी परिभाषा है ये लैला मजनू, वो दर्शाता है ये लैला मजनू एकदम गाढ़े प्रेम कहानी के साथ, कि आप सब लोग सारी प्रेम कहानियों को भूल जाएंगे इस प्रेम कहानी के सामने। और हमने फिर ये डिसाइड किया पूरी टीम ने कि हम लोग इसे 18 के बजाय हम लोग इसे 25 को रिलीज़ करें, क्योंकि उस दिन दुगनी खुशी होगी, खुशियों का माहौल हर जगह सजा होगा, क्योंकि मेरी विवाह फिल्म भी रिलीज़ हो चुकी होगी और साथ साथ लैला मजनू का ट्रेलर भी उसी दिन रिलीज़ किया जाए, तो इसीलिए फिर ये सारे निष्कर्ष के बाद हमने ये फैसला किया। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि जितने भी लोग एक्साइटेड थे, मैं भी आप सभी से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं वो फिल्म का ट्रेलर मैं खुद भी उस दिन देख पाऊँगा और आप सबके साथ देखूँगा। YouTube पर एंटरटेन म्यूज़िक भोजपुरी चैनल पर ये ट्रेलर रिलीज़ होगा शुक्रवार 25 अक्टूबर को शाम ठीक 4 बजे, फिर से बोल रहा हूँ शाम को 4 बजे ये एंटरटेन म्यूज़िक भोजपुरी YouTube चैनल पर ये रिलीज़ होगा, और आप सब लोग बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कमाल का धमाल का ट्रेलर बना है। भैरव कुमार हेलो चिंटू भैया कैसन भाई, एकदम बढ़िया बानी भैरव भाई, प्रवीण गुप्ता हे ब्रो व्हाट्सअप, आई एम टोटली गुड, हाउ आर यू ब्रो, हाउ आर यू ब्रदर, श्याम जी एन एडवांस में हैप्पी छठ पूजा, आप सबको भी एडवांस में, वैसे तो मैं आप सबको बधाइयाँ दूंगा ही, शुभकामना दूंगा ही, लेकिन फिर भी आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई दीपावली का, जो हमारा जो बहुत बड़ा त्यौहार, खुशियों के दीप उस दिन जलाए जाते हैं, हर जगह खुशियां बिखरी हुई होती है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, ये जो दीपावली का त्यौहार है आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां लाए, मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार, पूरे भोजपुरिया समाज में खूब सारी खुशियां, खूब सारा प्यार, खूब सब में एकता बनी रहे, प्यार बना रहे, और छठ पूजा की जो कि हमारी छठ मैया से, मैं यही प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि मेरा पूरा भोजपुरिया समाज यूँ ही हमेशा खुशल रहे, कुशल मंगल रहे, हमेशा सुखी रहे, हमेशा संतुष्ट रहे,
हमेशा स्वस्थ रहे, कोई भी दिक्कत ना आए मेरे पूरे भोजपुरिया समाज को, पूरे भोजपुरिया परिवार को, और मेरे सभी लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें। और मैं तो हमेशा ताउम्र आप सबको, जब तक जीऊँगा तब तक आप सबसे ऐसे ही प्यार करता रहूँगा, चाहे कहीं भी रहूँ, चाहे कैसा भी रहूँ, आप सबसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये मैं हमेशा करता रहूँगा। तो भैया हो लैला मजनू का ट्रेलर बहुत जल्द 25 तारीख को शाम को 4 बजे एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर रिलीज होगा, आप सब लोग देखना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी लैला मजनू का एक मूविंग पोस्टर, यानी कि मोशन पोस्टर की तरह ही मूविंग पोस्टर आया है, जो कि देसी धुन्स चैनल पे, जो कि हमारा चैनल है देसी धुन्स, उस देसी धुन्स चैनल पर उस मूविंग पोस्टर को छोड़ा गया है। तो आप लोग उस चैनल को भी जाकर ज़रूर देखिए, और देसी धुन्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वो जो लिंक है उसको शेयर करें अपने सोशल मीडियाज पर, और ज़रूर अपने कमेंट के द्वारा बताएं, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कैसा लगा वो मूविंग पोस्टर, क्योंकि पहली बार मूविंग पोस्टर बनाया है हमने, एक नया एक्सपेरिमेंट है, एक नई चीज़ है आप सबके बीच में, मार्केट में कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, और बात करूं विवाह की फिर से, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल की फिल्म है। अब मैं चाहूँगा कि आप सब से कुछ बातें करूँ, आप सबके दिमाग में अगर कोई भी सवाल हो मुझको लेकर या मेरी फिल्मों को लेकर तो ज़रूर पूछिए, हम ज़रूर जवाब दें। थैंक यू सो मच पूनम सिंह जी, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये आपकी भी फिल्म है विवाह, जाकर ज़रूर देखें। जितने भी मेरी फिल्म यानी कि आप सबकी फिल्म है, मोहम्मद अशरफ भाई लैला मजनू का ट्रेलर कब आएगा, अभी जैसा कि मैंने बताया कि 25 तारीख को शाम 4 बजे इसका ट्रेलर आएगा एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर। अंशु तिवारी जी, जय माता दी, जय माता दी अंशु जी। कुंदन कृष्णा, कुंदन भाई कब तक विवाह आएगा, विवाह जैसा कि अभी मैंने बताया कि 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पंजाब, बंगाल में एक साथ रिलीज़ हो रही है, संपूर्ण भारत में 25 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, और छठ पूजा के शुभ अवसर पर हमारे बिहार और झारखंड में रिलीज़ हो रही है। तो जितने भी मेरे बिहार और झारखंड के लोग हैं वो लोग 1 तारीख को यानी कि छठ पूजा के महापर्व पर जाकर फिल्म को ज़रूर देखें, नित्यानंद तिवारी पंडित परिवार के साथ देख सकते हैं। बिल्कुल, ये पूरी तरह जैसा कि अभी मैंने बताया था कि पूरी तरह पारिवारिक फिल्म है, आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि ये परिवार के साथ देखने लायक नहीं है, और अगर आपको लगेगा तो आप बिल्कुल मुझे बोलिएगा कि भाई आपने गलत बोला था, पूरी तरह पारिवारिक। और मेरा दावा है कि आपके परिवार आप पर गर्व करेगी इस फिल्म को दिखाने के लिए, क्योंकि ये फिल्म ऐसी फिल्म बनी है, मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा उसकी कहानी के बारे में, लेकिन ये फिल्म आपके दिल के अंदर घुस जाएगा, आपके दिमाग के अंदर ये फिल्म घुस जाएगी, आपके दिल के अंदर ये सिनेमा जगह बना लेगी। और जिसको भी मैं विनती करूँगा कि जिसको भी फिल्म अच्छी लगे वो लोग अपने गांव जाकर, अपने 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 जवार में जाकर इसकी फिल्म की तारीफ ज़रूर करें, फिल्म के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं, और लोगों को बोलें कि जाकर फिल्म को सिनेमा हॉल में जाकर देखें, क्योंकि भोजपुरी को आप सबकी ज़रूरत है, हमारे पूरे भोजपुरी परिवार की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई भी अगर परिवार का कल्याण होना होता है, अगर परिवार का कल्याण करना है तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, तो जाकर सिनेमा हॉल में जाकर ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच सुष्मित सिंह राजपूत जी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा देगा, थैंक यू सो मच सुष्मित भाई। अंशु जय हो भाई, गोलू राजा लव यू भाई, लव यू गोलू भाई। कुंदन कृष्णा एक बार गाना सुना दीजिए गोर छुके, बिल्कुल। अभी एगो फिल्म के हम शूटिंग करे जाता नहीं, जोन फिल्म के नाम है या अली बजरंग बली, जो कि एक बहुत ही कमाल की फिल्म और भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म बन रही है, वो काफ़ी महंगी फिल्म बन रही है वो। जब उसका फर्स्ट लुक और जब टीज़र और ट्रेलर आप सबके बीच आएगा तो आप सबको पता चलेगा कि भोजपुरी में एक नायाब और बहुत ही बड़े लेवल पर फिल्म बन रही है। और अब मैं पूरी तरह वही प्रयास कर रहा हूँ कि बढ़िया से बढ़िया फिल्म, अच्छा से अच्छा फिल्म आप सब के लिए करता रहूं, और आप सबको
कुछ नए कहानियों के साथ, नए प्रस्तुति के साथ आप सबके बीच अपनी सिनेमा को लाते रहूं। अनुराग सुनकर लैला मजनू गर्लफ्रेंड के साथ देख सकते बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि वो सिनेमा ही रोमांस का है, सिनेमा ही मोहब्बत का है, सिनेमा ही प्रेम का है। तो आपके दिल में चाहे किसी भी प्रकार का प्रेम हो, चाहे किसी के लिए भी, चाहे वो गर्लफ्रेंड के लिए हो, चाहे वो अगर आपकी अगर जिसकी शादी हो गई अपनी पत्नी के लिए हो, चाहे हमारी माँ के लिए हो, चाहे हमारी बहन के लिए हो, जिसके लिए प्रेम हो, वो फिल्म प्रेम को दर्शाता है और पूरी तरह पारिवारिक एंटरटेनमेंट के साथ आप सब अपने जिसको भी आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उसके साथ फिल्म को देख सकते हैं। रेखा एल, आई लाइक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लाइक यू टू। प्रियांशु प्रभाकर, रिलीज डेट कब? 25 को, 25 को विवाह रिलीज हो रही है। मैंने जैसा कि बताया पूरे भारत में 25 तारीख को रिलीज़ हो रही है और सिर्फ बिहार और झारखंड में 1 तारीख को रिलीज़ होगी, यानी कि छठ पूजा के दिन रिलीज होगी, हमारे त्यौहार के दिन रिलीज होगी। प्रवीण यादव, जय हो प्रवीण यादव भाई, जय हो भाई। मोहम्मद अशरफ, विवाह सीतामढ़ी में कब रिलीज होगा? सीतामढ़ी में भाई 1 तारीख को लगेगा, यानी कि बिहार में 1 तारीख को लगेगा, छठ पूजा के दिन लगेगा। शिवा बेदर्दी, बहुत 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 बधाई, थैंक यू सो मच शिवा भाई, थैंक यू सो मच। भैरव कुमार, जय हो चिंटू भाई, भैरव भाई थैंक यू सो मच, जय हो। राजा चौधरी, सुपरस्टार, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। सुशील सिंह जी, हेलो भाई, हेलो सुशील जी। आलोक राज सिंह, सुपर थैंक यू। प्रियंका विश्वकर्मा, आई लाइक यू टू, थैंक यू सो मच। जो भी मुझसे प्यार करते हैं उन सबको मैं उनसे भी डबल प्यार करता हूँ और सभी को ये दिल से, ये बोलने की बात नहीं है, मैं दिल से मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ। जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी मेरी दोस्त हैं, सबको बहुत मानता हूँ। आयुषी दुबे जी, कैसे हो पांडे जी? एकदम बढ़िया आयुषी जी। ए के मिश्रा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ए के मिश्रा जी। ऋतिक कौशिक, आपका हर एक फिल्म हिट है बॉस, थैंक यू सो मच ऋतिक जी, आपका एक पांचाल। हाँ, और एक बहुत ही अलग और नायाब फिल्म पांचाली एक नए मुद्दे पर, और आप लोग के बीच में जब वो ट्रेलर आएगा तो बहुत सारे खलबली मचने वाले हैं जब वो ट्रेलर आएगा तो, क्योंकि एक बहुत ही नया सिनेमा है वो पांचाली, जो लोगों ने सोचा नहीं होगा आज तक, जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये पांचाली किस तरह की फिल्म होगी, कैसी फिल्म होगी, जो अंदाज़ा लगा रहे होंगे, मैं 200% बोलता हूँ कि ये आप लोग कुछ दिमाग में नहीं आ सकता है। पांचाली वैसी फिल्म बनी है और वैसी फिल्म है। उस फिल्म के निर्देशक हैं देव पांडे जी और प्रोड्यूसर हैं श्री राजकुमार आर पांडे जी। एक अलग ही सिनेमा, एक अलग भव्य रूप, एक अलग ही रूप के साथ, एक अलग ही नए स्टाइल के साथ वो फिल्म आ रहा है। और बात करूँ लैला मजनू की, तो लैला मजनू के निर्देशक हमारे महमूद आलम जी हैं, उसके उस लैला मजनू के प्रोड्यूसर श्री राजकुमार आर पांडे जी हैं, तो ऑब्वियसली आप सबको वो भव्यता दिखेगी। लैला मजनू में मैं हूँ और मेरे साथ काफ़ी समय के बाद, बल्कि पहली बार मैं कहना चाहूँ कि पहली बार हमने एज ए लीड में, मैंने और अक्षरा सिंह जी ने एक कमाल की केमिस्ट्री हम दोनों की नज़र आएगी। एक वो जो हम दोनों की जो रोमांस है, जो प्रेम है, वो बहुत अद्भुत, बहुत कमाल का, और सारी बंदिशों को, सारी बंधनों को तोड़कर जो प्रेम होता है, सारी हदों को पार करते हुए वो प्रेम आपको नज़र आएगी इस फिल्म में। और इसके अलावा हमारी लेजेंडरी रानी चटर्जी जी का एक बहुत ही कमाल का गाना है तड़कता फड़कता मेरे साथ, और भी कई लोग हैं, टीनू वर्मा जी हैं जो बहुत ही कमाल के अभिनेता हैं और जिनके पर्दे पर आते ही पर्दा भव्य हो जाता है। टीनू वर्मा जी हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, गोपाल राय जी हैं, बंदनी मिश्रा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत कलाकार हैं, पूरी कई सारे कलाकारों से सजी हुई फिल्म है, बहुत उमदा टेक्नीशियंस हैं, उसके कैमरामैन हमारे साउथ के हैं, और जो जैसा कि मैंने एक्शन की बात की, बहुत कमाल का एक्शन है, जो कि नेपाल के सबसे टॉप के मास्टर जो मैंने बताया श्री श्रेष्ठा जी ने उसमें एक्शन किया है, और म्यूज़िक चूँकि जो सबसे
हमेशा जो हिट म्यूज़िक के पर्याय माने जाने वाले श्री राजकुमार पांडे जी, उनका म्यूज़िक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि म्यूज़िक कैसा होगा, कितनी कितना खूबसूरत और कितना कर्णप्रिय और धमाकेदार गाने होंगे इस फिल्म में। तो पूरी तरह एक सजी हुई थाली है लैला मजनू। और विवाह, विवाह में म्यूज़िक संगीत दिया है छोटे बाबा जी ने। छोटे बाबा जी एक बहुत ही कमाल के संगीतकार हैं, बहुत ही कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उनकी बहुत हिट गाने रहे हैं मेरे साथ, उन्होंने बहुत बड़ी हिट मेरी बहुत बड़ी हिट गाना पांडे जी का बेटा हूँ उन्होंने दिया है। फिर से विवाह में एक कुछ बहुत बड़ा हिट आएगा ऐसे उम्मीद है, और मुझे ये उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप सबको गाना बहुत पसंद आएगा। नित्यानंद तिवारी, आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा बिल्कुल। नित्यानंद भाई, अगर आप किसी चीज़ को, एक फिल्मी डायलॉग है लेकिन वो बहुत सच्चाई है उस बात में, कि आप जिस भी चीज़ को दिल से चाहो या दिल से ठान लो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है। इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ पूरे दिल से पूरे शिद्दत के साथ करता हूँ। रेखा जी, हमारे लिए तो प्रेम का मतलब आप है प्रदीप जी। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू सो मच। अनीश सिंह राजपूत नाइस को थैंक यू सो मच अनीश। रोहित कुमार मंडल जी, कैसे आप? एकदम बढ़िया रोहित भाई। देवेंद्र कुमार जी, जियो जिया देवेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। दीपक कुमार सिंह जी, हेलो हेलो। बादल कुमार सिंह जी, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया बादल भाई। प्रियंका प्रभाकर, आपकी हमेशा से हर एक फिल्म बिल्कुल ही नई कहानी रही है, पूरी नई कहानी। और अब तो और एक से एक फिल्म का ट्रेलर आ रहा है, बॉलीवुड और साउथ का कभी ऐसा औकात नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रियंका जी, बस कोशिश करता हूँ कि भोजपुरी में जो कई लोग बोलते हैं, या जब बाहर जब जाते हैं तो पहले लोग बोलते थे या कई लोग ताना भी मारते थे कि अरे कैसी फिल्में बनाते हैं या जो भी है, तो अब उन लोगों का मुंह बंद हो गया है। उन लोगों को अब हम लोग बोल सकते हैं सर उठाकर कि अब देखिए हमारे भोजपुरी में कैसी फिल्में बन रही है। और मैं वही कोशिश करता हूँ कि भोजपुरी में अब ऐसी फिल्में लेकर आऊँ और बनाऊँ कि हम जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी लोग भोजपुरिया लोग हैं, जितने भी लोग यूपी या बिहार से या झारखंड से बिलोंग करते हैं, वो लोग अगर अपनी फिल्मों को लेकर, अपनी भाषा को लेकर कहीं भी शर्मिंदा महसूस ना हो, बल्कि वो गर्व के साथ वो फिल्म का ट्रेलर दिखाएं, फिल्म दिखाएं कि देखो ये अब हमारी भोजपुरी फिल्में, अब देखो हमारी भोजपुरी फिल्मों का स्तर, हमारी भोजपुरी फिल्मों का लेवल अब कहाँ पहुँच गया है। और यही मैं चाहता हूँ कि हर एक नागरिक ऐसे ही शान के साथ और पूरे गर्व के साथ फिल्म का ट्रेलर दिखाए लोगों को, बाहरी नॉन भोजपुरी लोगों को। और खुशी होगी मुझे कि जब बाहर के लोग भी जब ये बोलना शुरू कर देंगे, और अब लोगों ने शुरू कर भी दिया है कि हाँ भोजपुरी में बहुत बेहतरीन और बहुत कमाल की फिल्में बन रही हैं, अब तो सभी लोग मान गए हैं, पूरे देश दुनिया इस बात को मान गई है। इसलिए आप अभी देखेंगे तो हर जगह, हर नुक्कड़ पर, हर डिस्कोर्स में, हर जगह कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई भोजपुरी गाना आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा। और ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। ख़ास तौर पर पांडे जी का बेटा हूँ, बहुत जगह सुना मैंने, बहुत मतलब ऐसे ऐसे शहरों में सुना जहाँ भोजपुरी के लोग पहले सोचते रहते कि यहाँ भी भोजपुरी गाना बजाया जा सकता है या हमको कभी सुनने में मिलेगा, तो वैसे जगह पर भी पांडे जी का बेटा हूँ बजा है। और ये बहुत खुशी की बात है, जैसा कि पहले लॉलीपॉप लागे लू हर जगह बजता है गाना, हर जगह बजता रहा है, उसके बाद अगर मैंने कहीं सबसे ज़्यादा इस गाने को सुना है तो पांडे जी का बेटा हूँ को सुना है। और ये बहुत ही खुशी की बात है हम सभी के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, तो बहुत बहुत गर्व महसूस होता है। पंडित दीपक पांडे जी, आप मेरी जान हो, मेरी जान, थैंक यू सो मच। आप भी मेरी जान है भाई, थैंक यू सो मच। जिसको जो बोलना है बोलता रहे। मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे अपने काम से प्यार है और आप सब से प्यार है। आप सब लोग मेरा अवार्ड है, आप सब लोग मेरा रिवॉर्ड है, आप सब लोग मेरी दुनिया है, आप सभी लोग मेरा जहान है। ना आपसे ऊपर, ना आपके बाद, ना आपसे पहले,
मेरा परिवार और मेरा भोजपुरिया परिवार और मेरे भोजपुरिया सिनेमा परिवार मेरे लिए ये तीन ही लोग हैं जिनको मैं दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा मानता हूँ, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे अपने परिवार को, मेरे आप सबको, मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार को और मेरे भोजपुरी सिनेमा परिवार को, जिन लोगों ने, जिन टेक्नीशियंस ने अपनी मेहनत से, दिन रात मेहनत करके मुझे आप सबके बीच में पहुँचाया है, उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमन करना चाहता हूँ उन सभी लोगों को, और उन सब का कर्जदार रहूँगा मैं हमेशा। जितने भी लोगों का योगदान मेरे जीवन में रहा है और जितने भी लोगों का योगदान मेरे जीवन में होगा आगे चलकर, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत ही खास मायने रखते हैं आप सभी लोगों के लिए। जो भी मेरा अभी ये लाइव वीडियो अगर इंडस्ट्री के, मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री, मेरे भोजपुरी सिनेमा परिवार के अगर कोई भी देख रहे होंगे, तो उन सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि चिंटू को आप सब ने दिन रात मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। आप सभी को दिल से अभिनंदन है, थैंक यू सो मच। एंड दिल से आप सभी को बहुत सारा प्यार करता हूँ, और ये बोलने की बात नहीं, मैं दिल से प्यार करता हूँ क्योंकि मैं सिनेमा का बच्चा हूँ, आप सबका बच्चा हूँ, आप सबका भाई हूँ। और ऐसे ही मैं इंडस्ट्री के, हमारे सिनेमा के और आप सब मेरे भोजपुरी परिवार के दिल में ता उम्र मरती दम तक रहना चाहता हूँ। मेरे सिनेमा परिवार के ऐसे ही हमेशा गोद में खेलना चाहता हूँ, सीने में, उनके दिल में रहना चाहता हूँ, उनसे गले रखकर ऐसे ही हमेशा रहना चाहता हूँ। साजन कुमार, आई लव यू सो मच ब्रदर, आई लव यू टू भाई। बिल्कुल प्रियांशु प्रखर जी बिल्कुल मुंबई में रिलीज हो रही है 25 तारीख को, धनतेरस के दिन विवाह, और आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। हर जगह फिल्म लग रही है, संपूर्ण भारत में ये फिल्म दिवाली के दिन लग रही है, और दिवाली के अलावा छठ पूजा पर ये बिहार झारखंड में फिल्म रिलीज हो रही है, जाकर ज़रूर देखिए। और 25 तारीख को शाम 4 बजे लैला मजनू का ट्रेलर आएगा, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अब जाने का समय हो गया है, आप सब से अलविदा लेने का समय हो गया है, लेकिन फिर आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा लाइव आप सब से मिलने, आप सब से बात करने, और अपना प्यार और आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखें। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल देसी धुन्स को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, वो लोग देसी धुन्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसमें जो मूविंग पोस्टर आया है उसे देखें, उसे शेयर करें, और बस 25 तारीख का इंतज़ार है। मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ, उत्साहित हूँ, क्योंकि उस दिन दुगनी खुशी होगी मेरे लिए। एक तो मेरी बेहद खूबसूरत, बहुत ही कमाल की फिल्म विवाह रिलीज़ होगी उस दिन, और साथ साथ उसी दिन 25 तारीख के शाम 4 बजे एंटरटेन म्यूज़िक भोजपुरी चैनल पर ऐतिहासिक प्रेम कहानी आज के नए अंदाज में लैला मजनू का ट्रेलर आने वाला है, वो भव्य ट्रेलर देखने के लिए तैयार रहिएगा। और जैसे जब भी वो ट्रेलर आए तो उसे शेयर ज़रूर करें, उसका लिंक शेयर ज़रूर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक उस ट्रेलर को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, दिल से लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना सभी लोग। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस 5 दिन बचे हैं, 5 दिन बाद विवाह आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यारों के साथ, अपना मेहरारू के साथ, अपना माई के साथ, अपना बहनी के साथ, अपना भौजाई के साथ, अपना गर्लफ्रेंड के साथ, अपना यार दोस्त के साथ, सब के साथ जाकर फिल्म के ज़रूर देखें, काहे कि फिल्म सभी के खातिर बनल बा, आप सब खातिर बनल बा, अपना हमारा पूरा भोजपुरिया परिवार खातिर बनल बा। और जात जात आप सबके वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, दिवाली के, दीपावली के बहुत सारी शुभकामनाएं, छठ महापर्व के बहुत सारा शुभकामनाएं, छठ मैया आप सब पर अपन आशीर्वाद, अपन कृपा बनाए रखें। जात जात,
सलाम, नमस्ते, प्रणाम, लव यू ऑल।